हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे को इस वीडियो में आने का। मेरा नाम है अभिजीत और आप देख रहे हैं इंडियन राइडर अभिजीत। तो बजाज ने 9 अगस्त इसी ट्यूसडे के दिन एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया है कि बजाज और ट्रियम्फ दोनों में आपस में इन दोनों ने पार्टनरशिप किया है। मतलब कि ये दोनों कंपनी मिलके 250 सीसी से 750 सीसी के सेगमेंट के अंदर ही अंदर कोई नई बाइक्स को लॉन्च करेंगे या फिर उसमें न्यू मॉडिफिकेशंस करेंगे। वैसे तो बजाज के अभी मिड रेंज जो व्हीकल है वो है लगभग 200 आरएस है या फिर 200 एनएस है, ज़्यादा से ज़्यादा 220 एफ है पल्सर की। और जो डेटोना की जो मिनिमम जो रेंज है वो है डेटोना की 675 आर। मे बी ये सबसे स्मॉलेस्ट ही रेंज की ये डेटोना ट्रियम्फ की बाइक है। ट्रियम्फ जो बाइक है ये एक यूके मैन्युफैक्चरर की कंपनी है और वैसे भी ट्रियम्फ एडवेंचर बाइक्स के लिए काफ़ी फेमस भी है। वैसे तो बजाज ट्रियम्फ को पिछले 10 साल से आपस में जानते हैं, एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते हैं। तो फाइनली आफ्टर 10 ईयर्स वो दोनों ने आपस में मिलकर इन दोनों ने पार्टनरशिप किया है। तो ये रही बात बजाज और ट्रियम्फ की। पिछले 10 साल से बजाज और KTM आपस में काफ़ी काम कर रहे थे और इन दोनों ने मिलकर ग्लोबल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अपने जो बाइक्स है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करी, काफ़ी ज़्यादा इनकी बाइकें बिकी भी काफ़ी ज़्यादा, और जिनके वजह से KTM का भी काफ़ी नाम उठा और बजाज का भी काफ़ी नाम उठा। और आजकल के टाइम में KTM की काफ़ी बाइक दिख जाया करती थी। आज से 10 साल पहले पीछे लेते हुए चले तो आज 2017 चले तो 2007 में उतनी KTM की बाइक नहीं मिली थी। मैंने खुद जब बाइक चलानी सीखी थी, मैंने बाइक 2012 के करीब चलानी सीखी थी, तो वहाँ पे मेरे को KTM की कोई एक बाइक भी नहीं दिखी थी। तो मे भी ये कह लीजिए दिखी भी होगी तो मेरे को इतनी नॉलेज तो थी नहीं। मतलब धीरे धीरे करते करते आज एक ऐसा टाइम है KTM को भी सारे लोग जानते हैं और बजाज को भी सारे लोग जानते हैं। वैसे बजाज जो कंपनी है वो ज़्यादातर डिज़ाइन और क्रिएटिव आइडियाज़ ज़्यादा लगाती है। मतलब कि जो जितनी भी बाइक है वो ज़्यादातर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी, मतलब लुक्स में काफ़ी आपको अच्छी दिखेगी। जैसे कि 200 एन जो नेक्स्ट स्पोर्ट बाइक है ये काफ़ी साल पुरानी बाइक है, ये कुछ टाइम पहले बंद भी हो गई थी लेकिन अब जाके फिर से स्टार्ट भी हो गई है। तो बजाज का तो मेन काम यही है कि मतलब ज़्यादा उनकी क्रिएटिविटी काफ़ी अच्छी है। और जो KTM है वो दो चीज़ों में काफ़ी ध्यान देती है, वो है टेक्नोलॉजी और वो दूसरी चीज़ परफॉर्मेंस। टेक्नोलॉजी में अभी जो आप 2017 का जो KTM का जो मॉडल देखेंगे उस पर काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, मतलब हैंडल बार में कुछ बटन्स दिया, कुछ उसे यूज़ कर सकते हैं। मतलब अब मैंने तो यूज़ किए हैं तो मैं बता नहीं सकता आपको। तो ये परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी बातें समझ में आई हो। अगर आपको मेरी ये बातें समझ में आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस घंटी को जरूर दबा दें, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते मेरे को उल्टा लटकना पड़ गया। इसलिए उस घंटी को जरूर दबा दें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता चल जाए। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।